दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं फोल्डेड स्टेयर जो रहती है या चेन लिंक स्टेयर रहती है उसका बार बेंडिंग स्केड्यूल दो टाइप दो टाइप से इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल किया जाता है वो समझाता हूँ मैं ड्राइंग दिखाऊंगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने तरीके का स्टील बैंड होता है लेकिन जो बी आज लोग हम करेंगे वो सामने आप देख रहे हो जो इस स्टेयर का बार बेंडिंग स्केड्यूल हम करने वाले हैं बी करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि ये बीवीएस आपको शायद मिला नहीं होगा यूट्यूब पे तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बीवीएस बनाते हैं इसका पहले उससे पहले हम ड्राइंग देख लेंगे कि दो किस्म की ड्राइंग होगी फिर उसके बाद मैं थियोटिकल आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या चीजें बीवीएस में करनी है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो तो अभी हम ड्राइंग देख लेते हैं इसकी देखो सबसे पहले ड्राइंग देखो ड्रॉइंग सेम रहेगी दोनों की स्टील का थोड़ा डिफरेंट होगा तो पहले मैं प्लान दिखा देता हूँ ये रहा हमारा प्लान ठीक है ये यहाँ देख रहे हो आप ये प्लान है हमारा पूरा ये वाला इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा मैं करके बताऊंगा आपको ये हमारा प्लान हो गया तो इस तरीके से ये प्लान है हमारा तो जो सरिया रहेगा इसका सरिये में डिफरेंस आती है एक तो जो आपका सरिया कटता है इस तरीके से कटता है हमारा जो स्टीरअप है उसका पूरा ये ऐसे बनेगा ये जैसे आप सामने देख रहे हो ना इस तरीके से उसका पूरा रहेगा मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे कटेगा एक ही कंटिन्यू शरिये रहेगा ऐसे 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 और जो मैं आपको बना बता रहा हूँ वो रहता है कुछ ऐसे उसकी भी ड्रॉइंग दिखाऊँगा आगे मैं ऐसे और फिर ऐसे शरिये रहता है उसका शरीय ऐसे रहता है कंटिन्यू नहीं रहता तो कल हम करेंगे इसका बीवीएस आज मैं बताने वाला हूं इसका बीवीएस तो ये ये देखो इसमें सीडी में भी हमें पूरा मेंशन होता है यहां भी और वो जो दिखेगा आपको वो ऐसा दिखेगा एक मिनट में इसको एडेस्ट करता हूं ठीक है वो ऐसे दिखेगा ऐसे और ऐसे क्लियर वो देख लेते हैं अभी देखो ड्राइंग से समझ लो पहले क्या था हमारा जो पहले हमने देखा वो कुछ ऐसे 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 था कंटिन्यू था ठीक है तो अभी जो हमारा होगा ये ऐसे ऐसे और फिर एक इधर से हुक बनेगी फिर एक इधर से हुक बनेगी ऐसे ही एक इधर से हुक बनेगी फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा इधर से हुक बनेगी फिर ऊपर ऐसे ही तो इस तरीके से होगा मैं इसका बड़ा ड्राइंग दिखाता हूँ आपको यहां देखो देख रहे हो ये जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो इसमें इस तरीके से रहेगा मतलब ऐसे चेन लिंक बनता जाएगा ऊपर ऊपर और उसमें कैसे था क्यों बार बार बता रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना वो भी अलग तरीका है ये भी अलग तरीका ऐसे ऐसे उसमें रहता था अभी हम इसका थियोटिकल पार्ट में आपको दिखाता हूँ और जो आपने स्टार्ट में वीडियोज़ देखी उसमें ऐसे ही बनाया गया था मतलब ऐसे ये था ऐसे आएगा एक फिर ऐसे आएगा एक हुक फिर ऐसे आएगा एक हुक ऐसे ऐसे ऊपर चलता जाएगा इसका कल बीवीएस करेंगे इसका आज कर लेते हैं देखो काम तो अभी शुरू हुआ हमारा सब कुछ आपके सामने है सबसे पहले हमने जो साइड पे सीढ़ी देखी कुछ इस तरीके से थी ठीक है तो उसमें हमारा सरिया ऐसे ऐसे जाता है ये इस तरीके से कंटिन्यू हमारे हुक बन जाते हैं अगर एक का निकल गया तो बाकियों का निकल जाएगा मतलब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते ऊपर तक चला जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे. ऐसे ऐसे में कंटिन्यू बताता हूँ क्यों बार बार बता रहा हूँ क्यों आपको समझ रह जाए कुछ रह जाए टाइम जाएगा आपका लेकिन समझ ईजी से आ जाएगा ये ऐसे ऐसे हमारा कंटिन्यू रहेगा जितने भी स्टेप होंगे जितनी हाइट तक हमें जाना है फिर यहाँ उसके अंदर ये होता है उसके अंदर ये होता है इसको बिठाना होता है मतलब ये ऐसे रहेगा एक रिंग फिर दूसरा रिंग ऐसे आएगा तीसरा रिंग ऐसे जाएगा फिर एक रिंग ऐसे आएगा ऐसे ऐसे करते ऊपर तक जाते हैं और जो टिपिकल हमारी सेक्शन आती है कमर्शियल बिल्डिंग के लिए तीन उसका ये ये होता है हमारा ट्रेड इसको क्या बोलते हैं ट्रेड याद रखना ट्रेड ये हमारा है राइजर जो खड़ा होता है ए राइजर, ट्रेड हमारा 300 सौ एमएम है राइजर हमारा कितना है 170 सौ सत्तर एमएम यहां क्लियर हो गया और बेस लैब की थिकनेस है ये 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 बेस लैब इसकी ये है 125 सौ पच्चीस कितनी है एक सौ पच्चीस एम तीन चीजें याद रखो ये आपको दी होंगी और यहां भी देख लो इसको मैंने थोड़ा एक पार्ट इसका काट लिया मतलब एक यहां से लेके यहां तक हम निकाल लेंगे ऐसे ही जितने होंगे उनको कैलकुलेट कर लेंगे ये पार्ट मैंने यहां कर दिया तीन सौ सेम उसका क्या आ गया ट्रेड और 170 उसका राइजर यहां से करो यहां से करो 170 उसका राइजर आ गया थिकनेस 125 सौ mm एमएम है हर तरीके से फिर उसको मैंने कर दिया इसमें जितना सिंपल हो सकता है आपको समझने में उतना सिंपल किया कि कोई दिक्कत ना रह जाए उसमें उसके अंदर स्टीरअप कुछ इस तरीके से होता है ये ये स्टीरअप है ये स्टीरअप है दो स्टीरअप जुड़े हुए हैं ये उसकी हुक है ये उसकी हुक है बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये 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 और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आगे से सी रखी है तो ये जो नग है ऐसे ऐसे लगेंगे मैं बताता हूं आगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारा क्योंकि हमारा जो आ, अगर मैं ख़, सामने खड़े होके यहां खड़े होके इसको देखूं तो हमें य, ये चीजें यहां दिखेंगी ना ये ये जैसे वो सीढ़ी में दिखी थी जैसे ऊपर में वीडियो दिख रही है आपको कि अगर सामने से सीढ़ी को देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी क्लियर फिर इसको मैंने यहां खाली कर दिया ये बाहर वाला कंक्रीट निकाल दिया स्टीरअप आ गया हमारा क्लियर और फिर थोड़ी चीजें ध्यान देनी पड़ती है क्लेवर क्लियर कवर कवर ब्लॉक कितने का यूज कर रहे हैं पंद्रह से बीस एम mm का होता है में हम 20 mm का कवर ब्लॉक इसमें यूज कर रहे हैं समझो आगे आगे सब कुछ बताने वाला हूं अभी हमें करना है इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें ऐसे करता हूं मैं ठीक है तो सबसे पहले एक ये रिंग है ये वाला ये रिंग तो इस रिंग को मैंने यहां बना दिया ये रिंग मैंने अलग कर लिया क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे एक रिंग है फिर उसके ऊपर ये रिंग है ऐसे ही होता है फिर ऊपर वाला ऐसे आएगा और फिर उसके ऊपर वाला ऐसे आएगा तो ये वाला ले लिया इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं सबसे पहले कटिंग लेंथ निकालना पड़ता है कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा इसका इसका निकलेगा हमें टोटल देखना है पहले टोटल कितना है 300 इसको मैं इधर ऐसे रखता हूं आपको दोनों चीजें दिखेंगी दिख रही ठीक है।, है तो ये 300 प्लस 125 क्योंकि हमारा सौ पूरा है ना, 300 प्लस 125, दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे क्योंकि जो हमारा रहे यहां रहेगा यहां से यहां ये यह जो जगह है दोनों तरफ ये क्योंकि कंक्रीट के लिए हमें कवर चाहिए ये 20 एमएम mm, तो ये हमें माइनस कर देना बीस एम एम बीस माइनस कर दिया आ गया तीन क्लियर ये जो आपका बनेगा रिंग या इसकी जो यहां की लेंथ रहेगी वो रहेगी तीन सौ पंचासी थ्री एटी फाइव फिर अभी ये लेंथ हमें चाहिए ये वाली ये वाली क्लियर वो कैसे निकलेगी एक सौ mm पच्चीस एमएम टोटल है एक सौ पच्चीस एमएम टोटल है तो दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे ऊपर भी यहां यहां भी कवर माइनस होगा यहां भी कवर माइनस होगा तो बीस बीस कवर माइनस कर लिए तो पंचासी एम एम मतलब जो हमारा ये रिंग बनेगा ये जब साइड पे वैसे बनाने जाओगे ना हुक बड़ी बन जाती है प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में जो फॉर्मुले यूज किए जाते हैं प्रैक्टिकली सही नहीं होते थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर इन तरीके से हम निकालोगे तो वहां साइड पे सही निकलता है साइड पे सर कम लगता है हमेशा याद रखना है प्रैक्टिकल टिप्स है अगर फार्मूले से चाहिए अगर फार्मूले चाहिए होंगे किसी को बीबीएस के फार्मूले अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट करना कि बीबीएस के फार्मूले चाहिए सब फॉर्मूले जो बीबीएस के हैं स्टीरो बनाने के वो आपके लिए हाजिर हो जाएंगे तो इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी थ्री एक तरफ से है थ्री आ गया दूसरी तरफ से कितना है ये भी थ्री है 385 आ गया प्लस कर लो दोनों को यहां कितना है 85 85 फाइव ये कितना है 85 85 ये इनको प्लस कर लिया फिर दो हुक भी हैं ये हुक है टू दो हुक आ गई और टेन डी हमने हुक लेते हैं कितनी टेन डी तो टेन डी क्या है हमारा डाया क्या है इस स्टीरप का 10 एमएम का मेन बार है डिस्ट्रीब्यूशन आठ बार का तो डी आ गया टेन तो टेन डी क्लियर यहां फिर माइनस ये प्लस होगा ना फिर माइनस क्या होगा हमारा बैंड ये ये जो बैंड है एक दो तीन चार पांच क्योंकि चीज जो सरिया है आठ एम एम दस एम जितना उसको बैंड करेंगे उसका आ, आ, क्या होता है वो चौड़ा होता है मतलब उसका एलोंगेशन होगी थोड़ी बहुत तो वो एलोंगेशन हमें माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमने ए बैंड निकाला नहीं और कटिंग लेंथ ज्यादा दे दी फिर ये जो सरिया बाजता है था, वो कहां जाता है हुक जहां हमारा हुक सौ एम चाहिए होता है वो हो जाता है एक सौ तो वेस्टेज होती है सरिये की तो उसको निकालने के लिए क्या डिडक्शन है? करते हैं माइनस फाइव कितने बैंड हमारे एक दो तीन चार पांच पांच थ्री डी वन थर्टी फाइव डिग्री का बैंड है कितना वन थर्टी फाइव थ्री डिग्री का तो वो होता है थ्री डी अगर नाइन्टी डिग्री का हो कितना होता है टू डी फोर्टी फाइव डिग्री का वन डी तो ये थ्री डी थ्री डी क्या हमारा डायऑफ सरिया डाऑफ स्टील कितना है दस एम एम तो ये हो गया क्लियर यहां तक इनको इसको प्लस किया आ गया नौ फिर इसको मल्टीप्लाई किया हंड्रेड इंटू ये आ गया प्लस टू हंड्रेड इसको uh, क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं बैंडेड डिडक्शन कर रहे हैं माइनस थ्री इंटू टेन और फाइव डेढ़ सो क्लियर तो एक करके कैलकुलेशन करके नौ सौ नब्बे एम एम हमारा क्या आ गया इसका कटिंग लेंथ आ गया इसका कटिंग लेंथ ठीक है इसका कटिंग लेंथ हम दे देंगे कॉन्ट्रेक्टर लिख के बाकी रिंग तो आपने नहीं बनानी है सेम इंजीनियर उसने सिर्फ कटिंग लेंथ देनी होती है रिंग वो बनाएगा एक रिंग हो गई फिर दूसरी रिंग कौन सी मतलब एक ये वाली हमने निकाल दी राइजर की रिंग निकाल दी इसलिए मैंने यहां सॉरी ट्रेड की निकाल दी ट्रेड लिख दिया टी लिख दिया ट्रेड की बन गई हमारी अभी हमें चाहिए राइजर की इसकी इसकी ये ठीक है राइजर की चाहिए तो राइजर में हमें क्या करना है राइजर में हमें करना है ऐसे इसको ले आना है नीचे और यहां भी देखना है ऊपर भी देखना है तो राइजर हमारा कुछ ऐसी रिंग है देख रहे हो आप इधर भी देख रहे हो इधर भी देख रहे हो ऐसी रिंग है तो सबसे पहले हाइट कितनी एक सौ mm. mm. कितना है एक सौ पच्चीस एम एम यहां से समझो नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो रही है ये हमारा राइजर कितना था 170 और यहां नीचे तक रिंग आएगा ना ये रिंग कहां देख रहे हो रिंग 170 सिर्फ ये था एक और ये 125 है तो वही हो गया 170 सौ सत्तर प्लस एक क्लियर दोनों तरफ से कवर माइनस होगा ये वाला कवर माइनस होगा यहां से और यहां से कवर माइनस होगा कवर माइनस हो गया 255 सौ mm. तो ये हमारी जो हो गया 255 सौ mm एक तरफ तो दूसरी तरफ ये वाला ये वाला ये 125 सौ mm पच्चीस है दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे यहां से भी कवर माइनस होगा यहां से भी कवर माइनस होगा तो 125 सौ पच्चीस माइनस बीस बीस पचासी एम ये आ गया हमारा क्लियर फिर इसको प्लस कर सॉरी फिर सिंपल भाषा में फॉर्मूले तो रहेगा लेकिन हम सिंपल से निकालेंगे इजी निकलता है ये अगर हमारा 85 एम mm है ये 255 सो mm पचपन है दो ये वाला प्लस 255 ये वाला पचासी ये वाला पचासी ये, ये वाला ये कर लिया क्लियर प्लस हुक हुक दो हुक है टू टेन डी के हिसाब से हुक रहेगी टेन इंटू डी डी क्या हमारा दस एम एम माइनस जो हमारी होगी डिडक्शन कितने बैंड है एक दो तीन चार पांच पांच और एक सौ पैंतीस डिग्री थ्री डी फाइव इंटू थ्री डी टेड आएगा तो इसको कैलकुलेशन किया आ गया सात सौ तीस एम एम हमारा कितना आ गया सात सौ तीस एम एम ये निकल गया हमारा इसकी लेंथ भी निकल गई तो हमारी ये हुक भी बन गई और ये हुक भी हमारी बन गई क्लियर ऐसे ही फिर ये सेम इधर आएगी सेम इधर आएगी सेम इधर आएगी सेम इधर आएगी, आएगी ऐसे ऐसे ऊपर करते जाएंगे फिर हमारा ये तो निकला हमारा किसका एक हुक का कितना एक हुक निकला ऐसे ही अगर हम सामने से सीधी देख रहे हैं उसकी विथ है बारह सो एम एम तो ऐसी हमें कितनी हुक चाहिए एक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस Clear? ऐसे हमारी कितनी लगने वाली है इतनी लगने वाली है इसकी कैलकुलेशन कर लो कितनी हमारी लगेंगी नंबर ऑफ बार हमें एक टप्पे में कितने चाहिए एक टप्पे में कैसे निकलेंगे बारह सो टोटल लेंथ है, 1200, दोनों से कवर कर लो यहां से भी कवर माइनस कर लो बीस एमएम mm, यहां से भी कवर माइनस कर लो बीस एम बीस एम बीस एम तो आ गया ग्यारह सो साठ और स्पेसिंग कितनी है इन स्टीरप में सो एमएम mm की सेंटर टू तो सेंटर स्पेसिंग रखी है तो सो सो से डिवाइड कर लो तो हमारा आ गया इलेवन पॉइंट सिक्स आगे टोटल अप्रोक्स कर लो अगर इलेवन पॉइंट फाइव आता तो हमें ट्वेल्व लेने थे 11 आता तो ग्यारह नग लेने थे 11.6 पॉइंट सिक्स आया तो बारह नग लेने तो ये जो हमारे इधर स्टीरप पड़ेंगे एक दो तीन चार सेंट स्पेसिंग के हिसाब से तो बारह नग पड़ेंगे कितने बारह नग पढ़ने वाले हैं कौन से वाले ये वाले और सेम ये वाले कितने पड़ेंगे बारह सेम ये वाले भी बारह ये वाले भी वाला तो इसको निकाल देता हूं हमें मतलब टी मैंने जो लिखा था ट्रेड वो भी बारह चाहिए राइजर भी हमें बारह नग चाहिए क्लियर यहां तक क्लियर हो गया अभी हमें क्या करना है नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं हमारे ये कितने हैं एक मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात ये ड्रॉइंग में मैंशन होता है कि बारह आएंगे जहां हाइट मैं दी होगी तो बारह स्टेप है हमारे बारह स्टेप है तो एक में ए, एक में इसमें एक टप्पे में बारह लग रहे हैं ठीक है तो बारह ये बारह है ना टोटल तो बारह इंटू बारह कर देंगे एक सौ नग हमें ये वाले लगेंगे और एक सौ चौवालीस नग हमें ये वाले लगेंगे राइजर लगेंगे ठीक है ट्रेड भी हमें एक सौ चाहिए राइजर भी एक सौ डिस्ट्रीब्यूशन अभी ये जो सर है एक दो तीन चार पांच छह सात ये, ये ये भी चाहिए ना हमें तो ये कैसे निकलेगा हमारा नंबर ऑफ वार कितने चाहिए पहले वो देख लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस सामने दिख रहा है तो हमें दस नग चाहिए एक में ठीक है और टोटल कितनी है हमारी एक दो तीन चार बारह तो बारह से मल्टीप्लाई एक सौ बीस नग डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ कितनी रहेगी लेंथ सेम रहेगी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला इस इदर. इदर है इस तरीके से इधर इधर आएगा ना डिस्ट्रीब्यूशन अगर आगे से हम सीढ़ी देख रहे हैं इधर आएगा तो बारह सो है दोनों तरफ से कवर माइनस कर लो बारह सो मानो कवर ग्यारह साठ तो ये लेंथ रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की ये इस तरीके से इस बीबीएस को करते हैं मतलब ऐसे ही आपका बीम का भी रहता है उसका जब स्टीरप बनाना रहता है ये प्रोसीजर रहता है तो मेरे ख्याल में आज का बीबीएस आपको समझ आ गया हो स्टेयर केस का अगर इस हिसाब से आपका चेन लिंक रहता है मतलब ये चेन लिंक रहेगा ना जब तो इस तरीके से करना है जब वो वाला चिपिया रहेगा उसमें थोड़ी दिक्कत